लेकिन अब इस चक्कर में ना तलाक वाला मामला डिले हो जाएगा। नचमा, मान झूठ बोल रही है, यहाँ अच्छी भली तो थी और फिर अचानक से ये प्रेगनेंसी। मान झूठ नहीं बोल रही, उसने लास्ट वीक गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ली थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो प्रेग्नेंट है। एक्सक्यूज मी, लेकिन अब इस चक्कर में ना तलाक वाला मामला डिले हो जाएगा। नचमा, हो सकता है इसमें अल्लाह की कोई रजा हो। बख्तियार साहब, आप अब भी कोई उम्मीद लगाए बैठे? नजमा, जब तुम माँ और अहमर के रिश्ते को जोड़ने की उम्मीद रख सकती हो तो क्या मैं फखर और ईमान के रिश्ते की जोड़ने की उम्मीद नहीं रख सकता? अब तो उनका बच्चा भी इन्वॉल्व हो गया है। बच्चे की वजह से ब्लैकमेल होकर आप और फखर ईमान को अब इस घर में वापस नहीं ला सकते। और मैंने समीना को कॉल माह और अहमर का रिश्ता बचाने के लिए नहीं, उससे शिकवा करने के लिए की थी, और वो भी माह के कहने पर। तो फिर कोई फायदा हुआ तुम्हारी शिकायत का? ये तो मैं नहीं जानती कि फायदा हुआ या नुकसान, लेकिन समीना कल आ रही है, अब देखें कल क्या होता है। Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Sinfia Han or any other update.